नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगले प्रश्न में इसमें दिया हुआ है कि फाइव एक श्रेणी दिया हुआ है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस। और इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि सैंतीसवा पद आप हमको बताइए कौन सा पद 37 पद। चलिए इसको निकालते हैं किससे, इस फॉर्मूले से यूज करेंगे इसको एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए इसको देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें से निकालेंगे ए और डी। सबसे पहले हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ए क्या होगा मेरा, एन क्या होगा, डी क्या होगा। चलिए तो ए मेरा हो जाएगा कितना, प्रथम पद ए होता है तो पांच मेरा क्या होगा ए, डी क्या होगा सर्वांतर मतलब क्या होगा दस माइनस फाइव क्या जाएगा पांच, मेरा डी कितना होगा फाइव। और एन का मान आपको दिया हुआ है 37, एन का मान क्या दिया हुआ है 37। और हम लोग को निकालना क्या है एन, निकालना क्या है एन, ए का मान हम लोग को पता चल गया फाइव है, एन का मान पता चल गया 37, डी का मान पता चल गया फाइव। चलिए फॉर्मूला में पुट किया जाए इसको, ए मेरा दिया हुआ है कितना फाइव प्लस एन दिया हुआ है 37 माइनस वन और डी मेरा दिया हुआ है फाइव। चलिए इसको कंप्लीट किया जाए फाइव प्लस 36 into 5 5 plus 36 multiply 5 कितना होगा 180 और 180 में 5 plus कर देंगे तो कितना आ जाएगा 185 मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो ये पद चल रहा है 5 10 15 25 तो मेरा ये पांचवा पद तक मेरा कितना था 25। तो अगर हम ऐसे ही चलेंगे छठवा पद तो 30 हो जाएगा, ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 37वां पद मेरा कितना आ जाएगा 185। आप इस फॉर्मूले से कोई भी पद का पता कर सकते हैं, जो आपका श्रेणी दिया होगा आप इस फॉर्मूले से कोई भी पद निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो 10th क्लास का एनसीईआरटी का बुक है एक्सरसाइज 5.1 उसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, आप लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसमें दिया हुआ है 5.2 में दूसरे का दूसरा नंबर, हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एपी के मतलब समानांतर श्रेणी के प्रथम चार पद को लिखिए, चार पद को क्या करना है लिखना है। तो हमको पता है कि A1 इक्वल टू क्या होता है प्रथम पद, A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस डी और A3 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 3D और A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा 3D। अब देखिए ये मेरा क्या है A1 किसको दर्शा रहा है प्रथम पद को, A2 किसको दर्शा रहा है दूसरे पद को और A3 किसको दर्शा रहा है तीसरे पद को और A4 किसको दर्शा रहा है चौथे पद को। और हम लोग को निकालना क्या है AP के प्रथम चार पद, चारों पद हम लिख लिए हैं और हम लोग को A और D का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, बस इसमें हम लोग को पुट कर देना है। A का मान कितना दिया हुआ है -2 और A का मान कितना दिया हुआ है -2 और D का मान कितना दिया हुआ है 0। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना -2, इसमें क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0 2 into 0 क्या जाएगा -2, इसमें क्या दिया हुआ -2 प्लस 3 इंटू क्या दिया हुआ 0, इसमें क्या हो जाएगा -2, ये सब 0 हो जाएगा। तो मेरा जो चार पद जो बना चार पद वो क्या हो गया -2 -2 -2 -2। यही आप लोगों को निकालना था, क्या बोला था क्वेश्चन में कि एपी के प्रथम चार पद को लिखिए। हमने चारों पद को लिख दिया है, पहला पद -2 आया, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथे पद भी -2 आया मेरा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही 5.1 का तीसरे में दिया हुआ है कि एपी के प्रथम पद तथा सर्वांतर को लिखें। आपका एक श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी क्या दिया हुआ है 3 1 -1 -3 ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं क्या निकालना है प्रथम पद और सर्वांतर। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, मतलब A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। और सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर तो आप लोगों को बताए थे कि D इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या है 1, A2 मेरा 1 है और A क्या है A1 क्या है 3, तो -3 तो D बराबर क्या आ जाएगा -2। तो मेरा A और D दोनों निकल गया, D मेरा कितना हो गया -2 और A मेरा क्या हो गया 3। इसी तरीके से और भी आपको क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, आप इसी तरीके से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 5.2 में। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि ए डी एन और ए एन मतलब प्रथम पद सर्वांतर एनवा पद और अंतिम पद, आप लोग को किसी किसी में ए नहीं दिया होगा, किसी किसी में डी नहीं दिया होगा, किसी किसी में एन नहीं दिया होगा, किसी किसी में ए एन नहीं दिया होगा। हम लोग
मिटा लेते हैं इसको, रफ कर लेते हैं इसको। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या रहा, पहले क्वेश्चन में रहा कि एम नहीं दिया, देखिए ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8 और एम नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम फॉर्मूला को लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, और यहां से ये पूरा मान को पुट कर लेंगे। ए एन तो हमको निकालना है, एन दिया तो कुछ नहीं निकलेगा, ए दिया हुआ है 7, एन दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है 3, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इनटू 3 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 21, 21 प्लस 7 28, ये पहले का आंसर हो गया आप लोग का, ए एन का मान आ गया। अंतिम पद का मान कितना होगा 28। चलिए इसी तरह से दूसरे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है इसमें कि इसमें आपको ए दिया हुआ है, डी का मान नहीं दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है 0। तो सबसे पहले फॉर्मूला को लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, ए एन का मान दिया हुआ है 0, ए का मान माइनस 18 प्लस डी का मान नहीं दिया हुआ, एन का मान दिया हुआ है 10 और माइनस 1 और डी का मान हम लोग को निकालना है। चलिए ये देखिए इक्वेशन बन गई, इसको निकाल लेते हैं फटाक से, 0 माइनस 18 प्लस 10 में से 1 गया 9 और डी से मल्टीप्लाई करते 90। अब क्या होगा इसमें, अब बराबर ये देखिए एक चर है और एक अचर है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस में बराबर कितना आ जाएगा, क्या होगा प्लस 18 और 90, इसलिए डी बराबर क्या आ जाएगा 18 बटा में 9, 9 के पार में 2 पार, यानी मेरा आंसर आ गया डी इक्वल टू क्या 2, इससे मेरा डी कितना आ गया 2। अब लास्ट सवाल है मेरा इसमें 3 में क्या निकालना है आप लोगों को देखना है कि ए का मान नहीं दिया है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूले को, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें से देख लेते हैं किसका किसका मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ माइनस 5 लिख लिया माइनस 5, एन का मान दिया हुआ है, ए का मान निकालना है, एन का मान दिया हुआ है आपको 18 और डी का मान दिया हुआ आपको कितना माइनस 3। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस किसी का मान निकालना है ए का 18, 18 में से 1 गया 17 इंटू माइनस 3। अब देखिए माइनस 5 इक्वल टू ए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है, आप देखिए यहाँ पर आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्लस प्लस एक और स्टेप चलते हैं हम लोग आगे। 17 किया कितना होगा 51 और 51 क्या होगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 51। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में, माइनस 5 इक्वल टू प्लस को ये कोष का मतलब होता है गुना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ए इक्वल माइनस कितना हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये चीज को यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस 51। अब हमको ए का मान चाहिए तो ये इसको क्या करेंगे बराबर को उस तरफ लेके चले जाएंगे, क्या करेंगे बराबर के इस तरफ, पहले से मेरा माइनस 5 है और ये माइनस में बराबर के जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 51 और ये हो जाएगा ए, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 51 में से 5 घटाइए तो कितना आ जाएगा 46। ए का मान मेरा कितना 46। इसी तरह से आप और आगे आपको किताब में दिया हुआ इसी तरह से पूरे 5.2 को पूरी इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं आपने आप नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।